कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन शहर में बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से ऐसे मरीजों को शहर के अलग अलग कोरोना सेंटर्स में रखा जा रहा है। इसी क्रम में शहर के वाठोड़ा परिसर के सिम्बोसिस कॉलेज में ऐसे संदिग्धों को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना वायरस ने जब से दस्तक दी है मानो शहरों के कई सड़कें वीरान हुई है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं, लेकिन जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है ऐसे लोगों को शहर के अलग अलग परिसर के स्थानों पर क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। नागपुर का सतरंजीपुरा शहर का सबसे बड़ा खौफनाक परिसर घोषित हो रहा है। इसी सतरंजीपुरा से कई मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। नागपुर के इस हॉटस्पॉट से मनपा के स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक कई लोगों को क्वारंटाइन के वाठोड़ा स्थित इस सिम्बोसिस कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं। इसी सेंटर से क्वारंटाइन होने के बाद यदि मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे मेडिकल या मेयो अस्पताल में भी इसी वाहन से भेजा जा रहा है। शहर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों ने भी जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, यही समय की मांग है। नागपुर शहर का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले सतरंजीपुरा से कई लोगों को उठा के क्वारंटाइन सेंटर के लिए शहर के अलग अलग ठिकानों पे मनपा प्रशासन लेके जा रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सोमवार की रात इसी क्वारंटाइन सेंटर में सतरंजीपुरा के कई लोगों को लाया गया। नागपुर शहर का ये सिम्बोसिस ऐसा कॉलेज है जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और यहाँ पे सतरंजीपुरा और बाकी इलाकों के कई ऐसे संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। दो दिन इनकी जांच होगी। जांच होने के पश्चात यदि वे निगेटिव आते हैं तो ऐसे लोगों को घर जाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। अगर वे पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें फिर से मेडिकल या अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि नागपुर शहर में जितने क्वारंटाइन सेंटर्स है उन सभी सेंटर में से सिम्बोसिस कॉलेज ये वन ऑफ द ग्रेट है, क्योंकि जिला प्रशासन ने इसी कॉलेज का अच्छा उपयोग किया है जिसके चलते शहर के कई लोग क्वारंटाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर के वाठोड़ा परिसर सिम्बोसिस कॉलेज से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।